हमारे पुत्र को तुम व्यर्थ ही व्यर्थ ही। आप जानते हैं ना कि मारुति अन्य बालकों की तरह नहीं है। पहले भी जब मारुति अपनी आयु से भी तीव्र गति से बढ़ रहा था, तब मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना करके ऐसा होने से रोका था। वायुदेव से भी आग्रह किया था मैं कि इतनी छोटी आयु के मारुति को उड़ना सिखाना अनुचित है। उचित और अनुचित का ज्ञान तो वायुदेव को भी था। महाराज, यदि हमने पहले इसे गंभीरता से ले लिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मुझे आशंका थी कि एक ना एक दिन इन अद्भुत शक्तियों के कारण मारुति स्वयं को संकट में डालने का, और ऐसा ही हुआ। हे प्रभु, हे देवेश्वर, अब आपका ही सहारा, मेरे पुत्र की रक्षा करना भोलेनाथ। नारायण नारायण, आपका अभिमान एक बालक तोड़ रहा है सूर्यदेव। मेरा अनुमान प्रमाण के रूप में आपके समक्ष है। अब भी चेत जाइए। अब भी यदि आप अपने घमंड में आकर अपना आकार बढ़ाते रहे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि विस्फोट हो जाए। आप सीमा में रहिए, अन्यथा नारायण नारायण। देखता हूं आकार में कितनी वृद्धि करते हो तुम। अरे, ये आकाशफल तो और भी बड़ा होता जा रहा है। इस आकाशफल को खाने के लिए मारुति भी अपना आकार बढ़ाएगा। मैं भी अपनी पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। हो
लंकेश, लंकेश, मेरी सारी त्वचा जलने का अनुभव हो रहा है लंकेश। ये हो क्या रहा है? मंत्री जी, क्या हुआ मंत्री जी? मंत्री जी क्या हुआ? सूर्य की बढ़ती गर्मी के कारण सब अचेत हो रहे हैं। सबकी स्थिति गंभीर है। सूर्यदेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हे प्रभु, हे देवेश्वर, आप ही कुछ कीजिए। इस आपदा से हमारी रक्षा कीजिए भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। सूर्य जब रूप विराट, मारुति दे सब अंतर पाट। विस्तार की हो गई सीमा भंग, लगे विघटने सूर्य की अंग। मारुति तो अपने आकाश पल को खा कर ही रहेगा। आकाशफल को खाएगा और अपनी क्षुधा शांत करेगा। बस इतनी ही सीमा है, इससे अधिक नहीं बढ़ा सकता स्वयं को, अन्यथा खंडित हो जाऊंगा मैं। मारुति का आकाश फल।
महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। ये क्या कर रहे हैं सूर्यदेव? अहंकार के वशीभूत होकर आप ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि आपके इस विशाल आकार के कारण सृष्टि में विनाश लीला आरंभ हो गई। देखे रुद्र गिर गए सारे, आपके स्वरूप के दर्शन देख मैं धन्य हुआ प्रभु। हाथ जोड़ कर किया नमन, जय शंकर जय शंभु शरणम, जय शंकर जय शंभु शरणम, जय शंकर जय शंभु शरणम। रुद्रांश की ये लीला अति प्रिय शीला, वो तो जगत उद्धारक होगा, असुर संहारक होगा। मारुति का आकाश फल, ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, रंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निहार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। रंजन भरण विराज सुबेसा, कुंडल कुंचित केसा, वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सहारे। मारुति का आकाश फल। लगता है सूर्य का ताप कम हो रहा है। हाँ महाराज, लग रहा है अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। हे देवेश, हे महादेव, ये आपकी ही कृपा है। बस एक और दया कर दीजिए दया के साथ कि मेरा मारुति सकुशल लौट आए। लंकेश, तापमान कम हो रहा है, त्वचा की जलन भी शांत हो गई है। ये आज कौन सी अनहोनी घटना घट रही आकाश में? जात नटारो, संकट काहू सो जात नटारो।
काल समय रवि भक्ष लियो तब दीना हो लोक भयो अंधियारो दीना हो लोक भयो अंधियारो ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो संकट काहू सो जात न टारो ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर तुंत अतुलित बल धाम अंजन पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर अंजन भरण विराज सुमेशा आश्चर्य है, पहले तपन बढ़ी और अब अंधकार छा गया। अंधकार है, लगता है अभी तो रात होने वाली है। हाँ। रात कैसे हो सकती है, समय तो अभी दोपहर का है। पुरोहित, अब ये ग्रहण क्यों हो रहा है? ग्रहण के मुहूर्त के समय तो ग्रहण हुआ नहीं, तुम्हारी काल गणना असत्य क्यों हो गई? कहे तुम्हारे ज्योतिष का ज्ञान तुम्हारी बढ़ती आयु के साथ साथ कुंद तो नहीं हो गया? महाराज, कुछ तो उथल पुथल हो रही है इस सृष्टि में। पहले सूर्य ग्रहण टला, फिर ताप में वृद्धि हुई और अब एकाएक अंधकार। यदि ग्रहण का समय परिवर्तित होना ही था तो इतने समय तक ग्रहण नहीं रह सकता। ये अपशगुन है, अशुभ के संकेत हैं ये। हे प्रभु, रक्षा करो। सूर्यदेव कहां छुप गए? छुप नहीं गए सूर्यदेव, अवश्य इस उद्दंडी वानर बालक ने कुछ किया है। राहु का कथन सत्य है इंद्रदेव, उस वानर बालक ने सूर्य को निगल लिया है। असंभव, एक बालक कैसे निगल सकता है सूर्य को? इंद्रदेव, वचन दिया है आपने मुझे कि मेरा मार्ग कोई नहीं रोकेगा। स्मरण रहे, यदि आपका वचन टूटा तो देवासुर संग्राम निश्चित है। इस सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा में समस्त असुर रहते हैं, वे सब अपने अपने साधनों से मायावी शक्तियां इसी समय संचित करते हैं। आज का ग्रहण काल टलने से समस्त असुर क्रोध में होंगे। देवराज इंद्र, विशेष रूप से लंकापति रावण, यदि अभी भी आपने समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला तो परिणाम आप देवों के हित में नहीं होगा। राहु, इंद्र का दंड भोगना होगा उस उद्दंडी बालक को। हम स्वयं अपने हाथों से दंड देंगे उसे। ये फल तनिक गरम अवश्य है, किंतु है बड़ा ही स्वादिष्ट। इसे खाकर मारुति की भूख तो मिटती ही जा रही है। आहा, ओ,
प्रभु, सूर्यदेव को इस तरह संकट में क्यों पड़ना पड़ा? प्रिय, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब पतन और नरक के द्वार हैं। जो भी देवता या मनुष्य इन विकारों से ग्रस्त हो जाता है, वो अपनी मर्यादा भूल जाता है और मैं की भाषा बोलने लगता है। यही सूर्य देव के साथ हुआ। वो अपने प्रभा मंडल के प्रभाव में आकर मैं सूर्य, मैं जगत प्रकाशक के अभिमान में गिर गए। किंतु ये मद और अभिमान कभी भी साथ नहीं देते। इन्हें तोड़ने के लिए कोई भोला मारुति निमित्त बनकर सामने आ ही जाता है। अतः ऐसे मद और अभिमान को त्याग देना चाहिए, तो ही उन्नति के द्वार खुलते हैं देवियों। किंतु सूर्य के पतन से संसार पर जो संकट उत्पन्न हुआ, उस संकट का मोचन कैसे हुआ, उसके लिए शिव जी की लीला देखनी होगी। देवेश्वर, संसार को सूर्य से ही जीवनदायी ऊर्जा प्राप्त होती है, किंतु मारुति ने सूर्य को निगल लिया है। अब इस संकट से संसार को कौन उबारेगा प्रभु? संसार को इस संकट से संकट मोचन ही उबारेंगे अग्निदेव। संकट मोचन? संकट मोचन? हाँ अग्निदेव, जिन्होंने सूर्य को निगलकर संकट में डाला है, वे मारुति ही उनको संकट से निकालेंगे। संसार और सूर्य के संकट हर कर ही वो संकट मोचन कहलाएंगे। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम